بسم الله الرحمن الرحيم मैं हाथ लगा दूं आपको खुदा का वास्ता कमेंट्स नहीं देखे आपने क्या है किस किस्म की वाहियात लेकिन लोगों एक मिनट पहले मैं वो लोग जो ये प्रोग्राम देखते हैं कहीं से उनको लगता है कि मेरी इनसे शादी होगी मतलब इनसे मेरे अब्बा की उम्र के ही लगी मैं तो बूढ़ा हूँ ना हूँ अच्छा वैसे लोग लेकिन आप इतनी कम उम्र नहीं लगती प्रॉब्लम ये है मुझे नहीं लगी आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है साबित करके बूढ़ा हूँ लोग कहते हैं आप मेरी देखें एक बात सुने मैं पहले क्लैरिफिकेशन करना चाह रही हूँ देखें मैं इतना मेरा बुरा टेस्ट नहीं है पहली बात ये है और अगर करना होगा तो मैं स्क्रीन पर आगे क्यों करूंगी इनके साथ हरकतें you know, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग वो ये भी होता है पालू मैं स्क्रीन पर आगे कैमरे के साथ इतने बेवकूफ बोला हम गेम बनाएंगे और स्क्रीन पे पब्लिक के साथ अच्छा ये बिल्कुल एक मैं पॉलिटिकल कमेंट्स पे करना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी आईएसआई ने ये कर दिया यार आईएसआई वाले इतने बेवकूफ है कि सड़क पे आके मारेंगे हमारी एक बड़ी वो मशहूर खातून ने कहती है आईएसआई मारने वाला है जी आईएसआई की आपको चिट्ठी देते हैं परसों आपको मार देंगे जी पता नहीं कमेंट्स यार अगर किसी ने आपको फड़काना हो तो वैसे ही फड़का देता है मेरी नाराजगी है लोग कंटेंट या टॉपिक के बारे में कमेंट नहीं करते यार आयशा वो उस नाराजगी को छोड़ो ये गम खुदा का वास्ते ये इंटरनेट है बताऊं यहां से आपकी एक इमेज जा रही है बाहर दुनिया देख रही है और ये उर्दू में बात करते हैं और मुझे लिटरली आई गॉट ईमेल्स फ्रॉम पीपल आउट मेरे पास ईमेल्स ये वाला हिस्सा ताकि दुनिया ना समझे दुनिया इस मुल्क के बाहर के लोगों की मेरे पास ईमेल्स आई थी कह रहे थे कि प्लीज अपने कमेंट्स जो है वो मॉनिटर कर लें इतनी वाहियात लोगों ने बातें की अच्छी बात क्या बातें की मैंने ये पिछले वाले पे हुआ है फ्रस्ट्रेशन वाले पे और क्या कमेंट्स मेरी शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अच्छा प्रपोजल आया है जिसपे मुझे रोज ऑलमोस्ट अगर मैं 8 घंटे काम करती हूँ ना तो 6 घंटे उस पर मुझे डांट पड़ती है आठ घंटे में अगर काम करती हूँ तो उसमें 6 घंटे मुझे डांट पड़ती है कि अगर आठ करती होती तो ओनरशिप नहीं है अगर 8 घंटे करती होती तो 6 घंटे डांट पड़ती होती लेकिन गम यह है कि अगर 8 घंटे काम करती होती तो ये बातें सुनने को ना पड़ती क्योंकि देन यू वुड हैव टेकन ओनरशिप फिर आप वहीं आप काम करती हैं आधा घंटा ये मुझे लगता है लूज एंड जो है 7.5 घंटे ये मेरी बैशिंग वाला शो ज्यादा हो गया आपके बैशिंग शो नहीं दिस इज अबाउट रियल लाइफ एंड दिस इज रियल लाइफ मतलब लाइफ सारे इश्यूज जो मेरी लाइफ में वही रियल लाइफ है ये सारे इश्यू हर किसी की लाइफ में हां लेकिन हम रियलाइज नहीं हम रियलाइज नहीं करते मेरी जिंदगी में भी आपकी जिंदगी में सब एक ही इशू है सबके इशू एक ही हैं और हम इग्नोर करते हैं और हम साइंस को देखते नहीं हम समझते हैं कि मेरे को अनोखा इशू है नोके यही इशूज हैं अच्छा चलें ठीक है टू स्टार्ट अप मुझे पहले ये पता है कि व्हाट रियली इज द डेफिनेशन ऑफ सेंस ऑफ ओनरशिप और मैं आपका बच्चा हो हाँ भूखा बिलख रहा हो आप उसको भूल जाएंगे नहीं तो ऑफिस का काम भूल जाते हैं अरे यार मैं भूल गया आपने किसी को 6 दिन पहले टाइम दिया कि हाँ 12 तारीख को 8 बजे मिलेंगे जैसा कि मैं ठीक है भूल गए कैसे भूल गए अगर आपको ये पता हो कि आपकी वालदा माजदा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह रहम करे सख्त बीमार हैं अगर आपने उनको 3:04 पे इंजेक्शन नहीं लगाया तो उनका इंतकाल हो जाएगा आप सूली के ऊपर माथे पे ऐसी कील ठोक लेंगे 3:04 भूल ना गए ओनरशिप जब ओनरशिप नहीं है तो यार वो कोई याद नहीं करा आप मुझे याद करा दीजिएगा कितने बजे मिलना है यानी कि यार ऐसे नहीं मिलना जन्नत में जाओ भाई जाओ ये कंप्लेन एक्सर मेरे साथ है कौन करता है तुम्हारे साथ कंप्लेन मेरे साथ है कौन मेरे बॉस हैं अच्छा लेकिन वो गलत कंप्लेन करते हैं कि बहुत ही खड़ूस हैं बहुत ही खड़ूस है ना तो उनकी हमेशा ये कंप्लेन है कि मेरे अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप वो खड़ूस है तुम निखट्टू हो मैं ढीठ हूं या and there is no ownership no there is ownership if there is ownership then why क्या मैं झूठ कंप्लेन करता हूं तो भाई तो आप में और मुझ पे कहां था ना इसलिए लोग कमेंट करते हैं शादी
कुछ चक्कर है इनके बीच में। आज अभी तुम उंगली तुम्हारी मेरी स्पेस में आई है, अपनी स्पेस में लगे बात करो, दूर दूर आ गए हमारे घर वाले भी देखते होंगे क्या हो रहा है बेटा ऑफिस के अंदर। सेंस ऑफ ओनरशिप की जब बात करते हैं, आई थिंक प्रायोरिटी आपका इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। What is it that you prioritize the most? Yeah, prioritize is कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है। हाँ तो इसलिए तो वहीं पर तो sense of ownership आ जाती है, पर हमारी ये चीज़ मेरी है, ये हमें समझना है कि ये मेरी है, और अगर ये मेरी है तो बस फिर मैंने इसको ऐसे लेके चलना है कि चीज़ मेरी है। वही ना, पराई तमाम औरत को छेड़ेंगे, अपनी बहन को छेड़े तो वो पाकदाम। हाँ, ऐसे ये बड़ी बात। हाँ, तो यही ओनरशिप है ना। बाकी सबको ताड़ेंगे, जब अपनी बहन को कोई ताड़ेगा तो मतलब बाकी तमाम शहर की लड़कियों को सिगरेटें पिलाएंगे, अपनी बहन को पिला तो उसको गोली मार देंगे। क्यों भाई, वो पराई बहन जो थी वो क्या तवाइफें थी, नाउज़ुबिल्लाह। और मैंने वैसे तो खैर एक और बहस हो जाएगी, तवाइफ में भी कोई, वो भी कोई खैर एक और गलत डेंजरस बहस हो जाएगी, उस तरफ नहीं जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, करेक्शन अपनी ही करता चलूँ, कि अगर किसी को मैंने कह दिया कि वो तवायफ थी तो किसी को गाली नहीं दी है, वो भी एक मजबूरी है। हाँ, ये लफ्ज़ आ गया, सही बच गए, वो भी एक मजबूरी है। लेकिन पॉइंट ये कि इंसान इंसान है, और आपने ओनरशिप, अगर अपनी बहन की ओनरशिप है तो पराई बहन की भी ओनरशिप है, वो भी तो किसी की बहन है, किसी की माँ बेटी है। तो उसी तरह काम पे आ जाएं, कारोबार पे आ जाएं, रिलेशनशिप्स पे आ जाएं, अब रिलेशनशिप की ओनरशिप है ना, कन्वीनियंस है ना हमारे अंदर, जो जहाँ चीज़ में हमें लगता है कि यार नहीं, यहाँ पे हमारी यू नो इट्स हैवी वेट, तो वहाँ पे सेंस ऑफ ओनरशिप फौरन आ जाती है। और जहाँ पे स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप में देखूँ या एट वर्क, जब अगर फॉर इंस्टेंस फ्रेंड इज वेरी अपसेट एंड उस वक्त उसके अराउंड और कोई नहीं है, तो वो एक कोई बंदे को पकड़ लेगा या बंदी को पकड़ लेगा बस उनके साथ हो, और जहाँ उसका काम खत्म हुआ। अच्छा, ये तो मतलब ही बना है, मतलब ही नहीं वहाँ पे जैसे तुम हो। मुझे बुरा इस दुनिया में इंसान कोई नहीं है, सामने बैठी तो इस ऑफिस में जितनी खवातीन काम करती है ना, वो सबसे बुरी। अच्छा, उस दिन हम खवातीन का मातम कर रहे थे, मैं सर पीट रहा था, मेहरीन भूल गए, हमारी रीसेंट एडिशन आयशा बीना हिमा की आदत थी, मेरीन भी है, वो सामने बैठी है, जो मेरा ये मेरा जो सोलो कैमरा उसके बिल्कुल पीछे ऐसे उसकी ट्राइपॉड के पीछे से स्टार्ट हो गई, वो साउंड क्यों साउंड इंजीनियर हो गई है वो, है ना। तो फिशर्स के हंसने की आवाज भी आ रही लोगों को, ये हंसना हंसना करके हां करके अब उसने सांस रोक लिया है अपना। लेकिन पॉइंट ये है, वही ओनरशिप, एंड ओनरशिप इज व्हेन यू फील कि ये चीज मेरी है, ये मुल्क मेरा है। अच्छा हाँ, सॉरी, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस मुल्क। हम पूरी दुनिया में कंप्लेन करते थे हमारा मुल्क ऐसा है, प्रेसिडेंट ऐसे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर आपने क्या किया इन रिटर्न इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग? एक तो है, हमने करना तो कुछ नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, हम तो हाथ ना, अल्लाह ना करे हाथ हिलाना पड़े में। लेकिन करने के अलावा एक तो वो जो दूसरे कर रहे हैं जिस पे हमने कुछ करना है, एक जो हम खुद कर रहे हैं आयशा, वो क्या कर रहे हैं? वही तो कह रही हूँ कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या गजब मचाया हुआ आपने। अच्छा, यूं जाज मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पर स्लिप करना चाहूँगा जो छुपे हुए मेरे गम है ना। मैं क्या, मुझे आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके घर में आऊँ, आपके ड्राॅइंग रूम में आऊँ, और आके वहाँ क्या करूँ और थूकूँ, और इजाज़त देंगे आप मुझे? नहीं। आप क्या इजाज़त देंगे कि मैं आपके कालीन के ऊपर को बाथरूम की तरह इस्तेमाल करूं? नहीं। क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं आपके सोफे पे जूते रख के बैठ जाऊं? क्या आप इजाज़त देंगे कि आपकी वालदा के सामने मैं गिरेबान चाक और बैठ के गालियां बकराऊं? नहीं। तो ये सड़कों पे क्यों हो सकता है? क्योंकि वो घर मेरा है। हाँ, वो आपकी बाउंड्रीज के अंदर अंदर है, मेरा है ये मुल्क, यहाँ तो मैं सराय की तरह रहता हूँ, इससे पहले बस वो घर की बाउंड्रीज और उसके अंदर वाला पूरा हिस्सा ना वो हमारा है, वी एंड दैट इज ओनरशिप। अब अगर आप मेरे घर आई हुई हैं और कोई शख्स आके ये सब कुछ मेरे घर के साथ करता है और मैं जरा कमरे से बाहर गया था, आप शायद उसको ना रोकें कि भाई मेरा मामला नहीं है। अगर वो आपका घर था तो ये भी आपका घर है, और अगर कोई मेरी सड़क के ऊपर कर रहा है तो ये भी मेरा घर है, अगर कोई मेरे मुल्क में कर रहा है तो ये भी मेरा घर है। स्पेशली अगर आप अपार्टमेंट्स पे देखें, अगर आपके डोर के बाहर या आपके जो प्लांट्स होंगे वहाँ पे कोई चीज़ कचरा फेंके चले जाए तो ओनर इतना शोर मचाता है किसने किया किसने किया, वही चीज़ आपके फ्लैट के बाहर भी हो रहा है, बाउंड्रीज के बाहर भी हो रहा है, तो खैर है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमने तो क्या फायदा ही नहीं है। ओनरशिप नहीं ना, देयर इज नो ओनरशिप। अगर ये मेरा होता तो किसकी मजाल है जो कुछ करे, अगर ये मेरा हो तो, अगर ये मेरा नहीं है तो फिर यू नो वही ओनरशिप है। अगर ये मुल्क मेरा है, मैं तो इस चक्कर में यार भाई यहाँ तो ये परवेज अशरफ का मुल्क है, तो यार तो फिर कसूर उसका नहीं, कसूर आपका है ये मुल्क पे। लेकिन अगर जॉब्स पे देखा जाए ना, अक्सर मैंने देखा है तो लोग बिकॉज या तो उनको अपनी जॉब को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अगर इवन इफ दे स्पेंड इनफ टाइम से, अगर 10 साल भी उन्होंने एक जॉब पे गुजारा है एंड देन क्विटिंग, वो उनको दे डोंट हैव द सेंस ऑफ ओनरशिप, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो वी नीड अ रूम फॉर ग्रोथ, विच इज़ ओके जस्टिफाइबल, दैट्स अनदर पॉइंट,
बट वो कोई इनको फीलिंग नहीं होती है अंदर, क्या मैं अपने लिए कोई एक रिप्लेसमेंट ऐसा छोड़ के जाऊँ जो मुझे कवर अप करेगा बाद में। मैं उसको उसी से फिर दोबारा मुल्क से रिलेट करूँगा, इस मुल्क में प्रॉब्लम है मैं अमरीका चला जाता हूँ, हाँ इस जॉब में प्रॉब्लम है मैं कोई और जॉब ढूंढ लेता हूँ। मैं ये क्यों नहीं करता कि मैं बॉस से बात करूँ, कोशिश करूँ कि भाई ये इस तरह, अगर मैं ओनरशिप हो, अगर आप मेरी एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूँ, लेकिन एक तो किस्म का वो एम्प्लॉयर होता है जो आपको लिफ्ट नहीं रहा, एक वो एम्प्लॉयर है जो कहता है कि नहीं यार आओ मिलके काम करते हैं, तुम हो एम्प्लॉय लेकिन ओनरशिप लो क्या करो। तो फिर अगर इस कारोबार को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो माना आप एम्प्लॉय हैं, आप तनख्वाह लेती हैं, लेकिन आपकी ओनरशिप है ना, तो आप इन्वॉल्व होंगे, आपको परेशानी होगी यार ये चला गया तो मेरी, हाँ तो मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मैंने 10 साल लगाए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मैंने भी इसको सींचा है, लेकिन आपके जहन में क्या है, यार क्या है मुझे तो कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अरे कोई बात है, मुझे तो कोई नौकरी मिल ही जाएगी भाई, इस काम किया है मैं तो, जितना वक्त आप यहाँ गुजार रहे हैं ना ऐसे गुजार रहे हैं कि मेक शिफ्ट। लाइक वाइज जब आप मुल्क में ये वक्त गुजार रहे हैं, आप शहर में आप मेक शिफ्ट गुजार रहे हैं, आप स्टॉप गैप है, मैंने तो आगे निकल जाना है, और जब ये जहनियत होती है ना कि मैंने आगे निकल जाना है, तो वो फिर आप गाड़ी का शीशा खोलते हैं, कचरा फेंकते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। हाँ, अगर गंद आप पीछे छोड़ के, अगर जितना गंद आपने, मतलब आपसे मेरा आयशा ताजवानी है, एक मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं गंद जगह जगह फेंकने वाला पाकिस्तानी हूँ, अगर वो तमाम गंद जो मैंने कूड़ेदान के बाहर फेंका, इफ़ यू कुड पिक इट ऑल अप and make me sit on it, I would not throw another thing. मैं अपने ऊपर तो कचरा नहीं फेंकूंगा, वो सारा कचरा मेरे सर पे डाल। अच्छा मजे की बात है, जब आप बाहर मुल्कों में जाते हैं ना, वहाँ पे जैसे अगर मैं सिंगापुर की एग्जांपल दूं, वहाँ पे chewing gum is not allowed, ठीक है, आपको you have to pay a fine, आपकी मजाल है आपने वहाँ पे जाके chewing gum खाया। अच्छा यार देखो, नहीं है ये fine based correction नहीं, नहीं मैं एक बात कह रही हूँ कि वो चीज आप बाहर मुल्क में जाके उनके लॉज नहीं मिजान, वो जूते के यार है, ओनरशिप नहीं है, जूते के यार हैं। आप चाहते हैं कि आपको सुबह शाम गालियां पड़े, मुक्के मारे, आपकी वालदा को निकाल के पुलिस वाला हंटर मारे, ये चाहते हो क्या? लॉ एनफोर्समेंट पे तो एक और पूरी बैठक है, तो करेंगे। फिर आप वावा भी करके आते हैं जगह। मेरा मुल्क नहीं, फिर वहाँ की वावा भी करके, तो वहाँ के लोग देखें, यहाँ की सफाई देखें, क्या लॉज है, क्या लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं, भाई तो आपके भी तो लॉज बनाए हुए, आप बन जाए फॉलो करने वाले। इंटरेस्टिंग जिन मालिक की हम बात करें, सिंगापुर की केस इन पॉइंट अगर ले लेते हैं, मैंने पुलिस वाले नहीं देखा, वो एक दफा लॉ एनफोर्समेंट करके उनको समझ में आ गई है, नाउ दे जस्ट डू इट देमसेल्फ्स। वहाँ के जो 5-6 मिलियन लोग हैं रेजिडेंट्स एंड इम्पोर्ट्स, वो तमीज से रह रहे हैं। मैंने जितना अरसा मैं बहुत जाता रहा हूँ वहाँ पे, मैंने शायद एक दफा झगड़ा देखा है और पुलिस वाले 2 मासूम से आते हुए देखे, मैंने थाना भी देखा कल्ले बैठे ऐसे ना सुते हुए, वो काम ही कोई नहीं। तो आई थिंक इसीलिए बिकॉज वहाँ पे बी एट गवर्नमेंट, बी एट सिटीजन्स, बी एट लॉ एनफोर्समेंट, एवरीवन हैज अ सेंस ऑफ ओनरशिप, उनको पता है कि हमारा ये काम है, हमने ये ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटीज फुलफिल करनी है, एंड व्हिच इज व्हाई आई थिंक गेस के दे आर ग्रोइंग। और ओनरशिप हर लेवल पे है, घर से, अपने रिश्तेदारों से, घर के फौरन बाद गली से, मोहल्ले से, शहर से, सूबे से, मुल्क से, आपस की रिलेशनशिप से। देखिए मैं अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा हूँ और अगर उसके साथ कोई गलत चीज़ होती है तो मैं मर जाऊँगा, जी जाऊँगा उसको बचाने की खातिर। अगर मेरे दोस्त की बहन मेरी जिम्मेदारी में और मैं उसको कहीं लेके जा रहा हूँ, या मैं कोई और बहन डायरेक्ट नहीं है, कोई और रिश्ता है, अगर उसके साथ वही सब कुछ हो, क्या उसी तरह मैं लड़ मर जाऊँगा या नहीं, ये सवाल है। वेल एटलीस्ट मरना तो चाहिए, चाहिए, और वो ओनरशिप है, वो ओनरशिप है। ओनरशिप ये है कि इस मुल्क का हर बच्चा मेरा बच्चा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल मेरा मुस्तकबिल। अगर मैंने कहा मैं तो निकल ही जाना है भाई, ज़्यादा गड़बड़ हुई ना, मैंने थोड़े पैसे बाहर निकाल दिए और एक कनेडा की सिटीजनशिप ले ली है, हम तो भाई निकल जाएंगे। पेरेंट्स हैं कुछ आजकल ऐसे बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर जाके सेटल हों। आजकल है, हमेशा से है। अच्छा नहीं, हमारे जो कहते हैं ना, ये मुल्क हमारा नहीं है, ये मुल्क मेरा है, अगर ये मेरा आ जाए ना हमें, और हमने अंडे बच्चे तो निकाल दिए, अंडे भी निकाल दिए, बच्चे भी निकाल दिए, माल भी निकाल दिए, तो आपने आप तो गुजर रहे हैं ना, रोड है, यू जस्ट ड्राइविंग बाय एंड यू नो दैट यू विल नेवर कम बैक, सो यू गोइंग टू थ्रो फिल्थ। अगर नहीं तो फिर आप हिम्मत कीजिए, तमाम कूड़ा जो फेंकते हैं घर के अंदर फेंकिए और उसमें रहते रहिए, आप 4 घंटे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो गलाजत आप जितना सड़कों पर करते हैं, ऐसी आवाज आती है ना, ये जो आप सड़कों पर करते हैं
ये अपने घर में कीजिए, आइए हाँ, मुझे इजाजत दीजिए ना आपके बेडरूम में। मैं एग्जांपल देती हूँ ये आपके, सॉरी जिसे, पर मैं एरिया भी डिफाइन करूंगी। डिफेंस का आप घर देखें, 2000 गज के घर हैं। ओह भाई हाँ। क्या आर्टिस्ट वो आर्किटेक्चर आए भाई से, यू नो चीजें आ रही हैं। घर का अंदर परफेक्ट ना, ऐसा लगता है फाइव स्टार होटल में आप अंदर आए। जहाँ बाहर गए आप पीछे देखो कूड़ा पड़ा हुआ है साइड पर, भाई उठवाओ जाके, रोड टूटे हुए जाओ बनवाओ। दोस्त ने चीना दोस्तों से बड़ी मजे की बात सिखाई, कहता है कि गरीब की ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो जिस हाल में रह रहा है उसको नहीं देख रहा, उसका व्यू तो आपका घर है, आपका व्यू उसकी झुग्गी है, आपका व्यू वो घर के बाहर का कचरा है। तो आप इतने गधे हैं कि आपने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ पर्दा भी नहीं खोल सकते। आपने अंदर अरबों रुपए का माल रखा हुआ, करोड़ों रुपए का माल है, खिड़की नहीं खोल सकते क्योंकि बाहर आपने गलाजत फैलाई हुई है। तो ये किस किस्म की ओनरशिप है, किस किस्म का घर है? और ये मैं फिर आई थिंक इसी पॉइंट पे आई थिंक वी शुड रैप दिस अप, यही पॉइंट हम रेज करते हैं कि ऐसा बनाएं कि जब आप खिड़की खोले ना तो आप यू फील प्राउड ओनरशिप बिकॉज़ यू योरसेल्फ हैव कंट्रीब्यूटेड इनटू इट। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाट द की इज। इजाजत लीजिए और दरख्वास्त अजीजों से, दोस्तों से कि कमेंट ऐसे करें कि हमें उस कंटेंट पे करना पड़े। वो कमेंट हमें न्यू काट रहे हैं कि वही ओनरशिप, ये मुल्क हमारा है, ये रेपुटेशन हमारी है। और आप ये देखें कि आप कौन सा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड। एंड आई एम वेरी सीरियस, मैंने एक्चुअली आज खुद पर्सनली जाके वो कमेंट्स डिलीट किए हैं। लोग मुझे बाहर से कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं लोग। खुदा के वास्ते ये सोचिए, इट्स ऑनलाइन, एवरीवनस वाचिंग यू। कमेंट्स फीडबैक की ट्रेनिंग चलती रहेगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि डंडे मारे जाएं आपको तो हम नहीं कर सकते, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। हमसे बातचीत करते रहिए, और वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि हम ठरकी हैं या फला हैं डिमका हैं, तो हाँ हैं, करो क्या करोगे और हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमें जो करना है वो आपके सामने करेंगे। जो हमने करना है, जहाँ करना है, वो हम और हर कोई कर सकता है। तो इस तरह फजूलियात में ना पड़िए। मेरी इनकी शादी नहीं हो रही ना आज तक हुई है, ना आज हो रही है, कल का कोई भरोसा नहीं, कल किसने देखी नहीं नहीं कल का भी भरोसा है नहीं होगी। अगर इनके बाल तेल देखे तो अस्सलाम वालेकुम, आंटी खैरियत से इंशाल्लाह फिर मिलेगा।